तो वेलकम फ्रेंड्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हजारीबाग चौकीदार के बारे में। ठीक है, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले आपको आना है गूगल, और गूगल के माध्यम से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा आपके जिला से रिलेटेड आएगा, हजारीबाग जिला से। ठीक है, तो सबसे पहले आना है गूगल, और गूगल में सर्च करना है आपको हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हजारीबाग जिला लिखिएगा ताकि हिंदी में आएगा, और मैक्सिमम आप लोग जो है हिंदी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो हजारीबाग इस तरह से लिखिएगा, उसके बाद जिला लिख दीजिएगा। ठीक है, जिला इस तरह से हजारीबाग जिला लिख के आपको सर्च मारना है गूगल में। आप जैसे ही हजारीबाग जिला लिख के सर्च मारिएगा तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा पोर्टल, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा। ठीक है, तो सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपके सामने इंग्लिश वर्जन में आएगा, और आपको पढ़ना हिंदी में, क्योंकि चौकीदार के मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे आपका हिंदी मीडियम से हैं, तो यहाँ पे आपको इसको हिंदी में करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लिखा है दोनों साइड में। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया लिखा है, उसके नीचे में लास्ट हिंदी कर लीजिएगा, ये वेबसाइट आपका हिंदी में हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। तो चौकीदार वाला सबसे पहले एक बार नोटिस दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी जो फिलहाल नोटिस आया हुआ है वो नोटिस देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपका जो नोटिस आया हुआ है यहाँ पे क्या आ गया। हाँ, सामान्य शाखा हजारीबाग द्वारा चौकीदार की भर्ती के संबंध में स्वीकृत और अस्वीकृत जो पद है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए लास्ट डेट 30 अक्टूबर। अब देखिए आपका एग्जाम जो है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है झारखंड का विधानसभा चुनाव, ठीक है, और आप लोग का तुरंत एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका नवंबर में एग्जाम हो सकता है ले लिए, और या फिर दिसंबर में ले ही लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है देखिए। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको आना है यहाँ पे, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब आपको नोट करना है। सबसे पहले जैसे हजारीबाग जिला के उपायुक्त कौन है, ठीक है, तो इनका नाम है श्रीमती नैन्सी सहाय। ठीक है, IAS, तो IAS लोग ही होता है उपायुक्त। उपायुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, शॉर्ट में DC बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। दूसरा आ सकता है हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 4313 स्क्वायर किलोमीटर हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल के। ठीक है, हजारीबाग जिला की मुख्य भाषा हिंदी है। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग जिले में कितने गांव हैं, तो यहाँ पे 1324 गाँव है। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन ऐसा। अब देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाइएगा तो पूछा जा सकता है कि हजारीबाग जिला में गाँव की संख्या 1324 है, नगर निगम कितना है हजारीबाग में, तो 1 गो, पुलिस स्टेशन कई गो है, 17 गो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको और भी चीजें देखनी है, जैसे यहाँ पे हजारीबाग जिला में आपका गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO 3 गो है। ठीक है, आपका महाविद्यालय 3 गो है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हजारीबाग जिला में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है, तो विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ही आपको यहाँ पे और कुछ चीजें देख लेनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आपको आना है ऊपर, और ऊपर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला जिला के बारे में। ठीक है, जिला के बारे में यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका जिला एक नजर में, तो आपको इस पे आना है, पढ़ लेना है यहाँ पे हजारीबाग जिला से जितना भी चीजें हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे, इसको पढ़ लेना है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सेट होगा ना आपके एग्जाम में यहीं से सेट होगा। जैसे यहाँ पे है कि 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने यहाँ अपने पवित्र अंत में मुलाकात की, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि किस जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने किया है, तो 23वें तीर्थंकर ने, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर रामगढ़ जिला जो है हजारीबाग से कटकर बना है, वो भी पूछा जा सकता है कि हजारीबाग जिला से कौन सा जिला बना है 2007 में, तो रामगढ़। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जनांकिकी आता है यानी कि पॉपुलेशन के बारे में, आप इसके बारे में पढ़ लेना है, जनसंख्या के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा 2011 की जनगणना और 2001, 2011 को आपको पढ़ना है कि पुरुष यहाँ पे देखना है आपको जनरली साक्षरता दर ये वाला। ठीक है, औसत साक्षरता दर 70%, पुरुष साक्षरता दर देखना है, महिला साक्षरता दर देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, तो कहाँ गया लिंग अनुपात वाला, जनगणना से जुड़े आंकड़े जो है ना पूछा जाएगा एग्जाम में, तो
लिंग अनुपात वाला कहाँ गया यार, यहाँ से खोज के आपको देखना पड़ेगा। प्रति वर्ग, हाँ घना तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो घना तो आपको देख लेना है, और एक चीज लिंग अनुपात यहाँ पे खोज के देख लेना, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर भी आपको अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्या है व्यापार, पशुपालन, खनिज संपदा, क्या क्या मिलता है, ये आपको पढ़ेंगे यहाँ से। फिर आपको हजारीबाग का इतिहास पढ़ना है यहीं से, मतलब जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका 90% क्वेश्चन इसी वेबसाइट से आएगा, ठीक है। 80-90% क्वेश्चन इसी वेबसाइट से उन लोग सेट करेगा, जो भी सेट करता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्जाम हो सका है सब वेबसाइट वगैरह सब पूछ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कौन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। यहाँ पे देखिए पवन कुमार जो है आपका IAS, ये आपका आयुक्त है, किसके, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, जो कि हजारीबाग जिला में इसका मुख्यालय है, ठीक है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 7 गो जिला है जिसका मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है, और इसके आयुक्त यानी कि कमिश्नर है अभी पवन कुमार, ठीक है। और जो DC है हजारीबाग की वो ये है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस अधीक्षक यानी कि SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पे देखिए अरविंद कुमार सिंह है, थोड़ा सा इनका टोन निकला हुआ है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, वही अगर फौज में होता ना कोई फोर्स का आदमी तो वो मजा ले पेट निकाल दे। चलिए तो इसी तरह से यहाँ पे आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, बस SP के बारे में पूछा जाता है, आपका DC के बारे में पूछा जाता है, और ये आपका कमिश्नर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी फोन नंबर वगैरह दिया है, आपको कभी जरूरत पड़े इंस्टेंटली तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो फिर जिला का मानचित्र यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका जिला जो है किस किस जिला से टच करता है, ठीक है। यहाँ से आपको हजारीबाग जिला का मानचित्र मिल जाएगा, ये देखिए हजारीबाग जिला आपका इधर रांची से मैच करता है, रामगढ़ से मैच करता है, ठीक है, तो आपको ये चेक कर लेना है। साथ में आपको देखना है कि हजारीबाग किसके साथ, किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको पता चलेगा कि हजारीबाग जो है बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये देखिए ये आपका हजारीबाग हो गया कोडरमा, और ये आपका जो बिहार का क्षेत्र है थोड़ा सा, ठीक है, ये इधर बिहार से थोड़ा सा टच करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ से आपको पता चलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं दिया गया है। चलिए इसी तरह से आपको पढ़ना है, और कुछ चीजें मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए और कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आइएगा थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे फोटो गैलरी, ठीक है। यहाँ पे सभी देखिए, पे क्लिक कीजिएगा और क्या क्या है आपके जिला में पता कर लीजिएगा। जैसे आपका जयप्रकाश नारायण यस जो जेल है वो स्थित है, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि हजारीबाग जो अभयारण्य है जिसका स्थापना 1955 में हुआ था ना, हाँ 1955 में हुआ था वो है, यहाँ से आप लोग फोटो वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपके जिला में क्या क्या है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और भी चीजें जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैनरी हिल है, ये भी मैंने गया था एग्जाम देने जब गया था तो घूमा था थोड़ा सा, ठीक है, तो कैनरी हिल है, कैनरी हिल भी पूछ सकता है कि कौन सा हिल है। उसके बाद लेक के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, बाकी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि हजारीबाग जिला से जितना भी चौकीदार का क्वेश्चन आएगा इम्पोर्टेंट चीजें, ठीक है। उसके बाद देखिए गर्म जलकुंड है हजारीबाग में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है गर्म जलकुंड, ठीक है, तो ये देखिए। और सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, सन पाउंड इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे आपका नाम भी लिखा रहेगा। बस ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ से पढ़ लेनी है आपको, और पर्यटन के बारे में इनका वेबसाइट जो है थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया है, बाकी मैं आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो डेफिनेटली आपके मैच करेंगे, और ये मैं आपको फ्री में दूंगा, कोई पैसा वगैरह लेके नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग यहाँ से आप लोग पढ़ लेना है इस वेबसाइट से, विशेष रूप से ये वाला सेक्शन जो मैंने बताया, यहाँ से आपका जिला के बारे में इतिहास, हिस्ट्री, इकोनॉमी, डिपार्टमेंट, मैप, ठीक है, इन सब के बारे में एक छोटा सा 6-7 पेज का नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ना यहीं से बनाए जाते हैं, ये आपको ऑथेंटिक होगा, इसको कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया वेबसाइट है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये वेबसाइट डिजाइन किया जाता है, भले यहाँ पे झारखंड लिखा हो लेकिन ये जो वेबसाइट है ऑल ओवर इंडिया में इसी तरह से चलाया जाता है सब जिला का, ठीक है। चाहे आप किसी भी
इंडिया के जिला को खोल ले, सब जिला का अपना एक वेबसाइट होता है, ठीक है। तो अपने जिला के वेबसाइट से पढ़ें और यहाँ से अच्छा सा आपको नोट्स बनाना है। बाकी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।